Hello guys, welcome back to the official YouTube channel of Desire to Learn. So this is again another video in the static series. ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे निकनेम्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज. तो काफी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में बी इट एफकैट बी इट एसएससी सीजीएल या फिर कोई भी और डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, तो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे ऐसे फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ दिस, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंड एनी अदर निकनेम. तो इस रिस्पेक्ट में जो भी इम्पोर्टेंट निकनेम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो विदाउट एनी डिले वी विल बिगिन. फर्स्ट इज फादर ऑफ द नेशन, ये तो सबको मालूम ही है. हु इज द फादर ऑफ नेशन? इट इज महात्मा गांधी. महात्मा गांधी जी का बर्थ कब हुआ था? जब हम गांधी जयंती जिस दिन मनाते हैं, दैट इज 2 अक्टूबर. असैसिनेशन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में. ठीक है, नेक्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय, जो कि जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया. क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन्होंने काफी सोशल इविल्स फाइट करने में हेल्प की थी, वन ऑफ विच वॉज सती प्रथा. ठीक है, और सती प्रथा अबॉलिश करने का ऑर्डर किसने निकाला था? विलियम बेंटिक. ठीक है, विलियम बेंटिक. काफी बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है, सती प्रथा वॉज अबॉलिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, एंड फोर ऑप्शन विल बी गिवन. कौन से ईयर में हुआ था? 1829 में. ठीक है, नेक्स्ट इज पोटी श्रीरा मुल्लू. इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी. एंड वेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड? इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 15th of September. ठीक है, इस साल की थीम क्या थी? हमारी इस साल की थीम थी इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडिया फ्रीडम टू डेमोक्रेसी पीस एंड डिलीवरिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स. कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं हमारे टोटल? 12. ठीक है, सॉरी 17. ठीक है, नेक्स्ट इज फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है बी आर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी. ठीक है, सो नेक्स्ट आपके हैं फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम या फिर न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम. इनके नाम पे इंस्टीट्यूट भी है, होमी जे बाबा. ठीक है, नेक्स्ट इज फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, दैट इज योर विक्रम साराभाई. क्या नाम है इनका? विक्रम साराभाई. हमने पिक्चर्स भी ऐड करने की कोशिश की है ताकि आप देख कर जल्दी लर्न कर पाओ. नाउ फादर इज फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम. इनको क्या बोलते हैं हम लोग? इनको हम लोग मिसाइल मैन भी बोलते हैं. ठीक है, तो कौन है ये? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. ठीक है, नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के. इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा. ठीक है, इन्होंने सबसे पहली मूवी कौन सी बनाई थी? राजा हरीश चंद्र. ठीक है, और दिस इज बेसिकली दादा साहेब फाल्के अवार्ड. ये बेसिकली हमारा हाईएस्ट सिनेमैटिक अवार्ड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है. ठीक है, अगला है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. ये है एम एस स्वामीनाथन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफ कैट सीडीएस. ठीक है, एंड एनी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बायो के टर्म्स में भी आ जाता है. ठीक है, और एफ कैट में मैच द फॉलोइंग में भी आ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है वर्गीज कुरियन. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन. ठीक है, तो ये दोनों फूड रेवोल्यूशन के टर्म में काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज जे आर डी टाटा. इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फादर ऑफ सिविल एविएशन. ये बेसिकली इंडिया के फर्स्ट पायलट थे. ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू हैव अ पायलट लाइसेंस. ठीक है, फर्स्ट इंडियन पायलट. और इन्होंने अपनी एयरलाइंस भी शुरू की थी, टाटा एयरलाइंस. कौन से एयर में शुरू की थी? 1932 में. ठीक है, नेक्स्ट इज सुब्रतो मुखर्जी. ये कौन है? इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ एयरफोर्स. ठीक है, ऑल दी एयरफोर्स एस्पिरेंट्स, एफकैट एस्पिरेंट्स, आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, फादर ऑफ एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ऑफकोर्स, फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स. नेक्स्ट आपका आता है
आचार्य, आचार्य हम बोलते हैं विनोबा भावे को, ठीक है, किसको बोलते हैं, विनोबा भावे को। फिर आते हैं आपके आदि कवि, आदि कवि हम बोलते हैं वाल्मीकि जी को। इन्होंने बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, ऑफ कोर्स आप मोस्टली सबको पता होगा, रामायण, ठीक है। ऑल द वर्क दैट इज बीन, जो भी रामायण है उसकी जितना भी उसका काम है, इट इज एट्रीब्यूटेड टू वाल्मीकि जी, ठीक है। नेक्स्ट इज आंध्रक, ये जो केसरी, ये जो ये मैं केसरी कराऊंगी आपको ना आगे, पंजाब केसरी, बिहार केसरी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिस्ट्री के टर्म्स में काफी बार स्टैटिक पोर्शन में आ जाता है, तो आंध्रा के केसरी हम किनको बोलते हैं, टी प्रकाशम को हम बोलते हैं आंध्रा केसरी। नेक्स्ट इज अन्ना, इसको लर्न करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अन्ना हम बोलते हैं सी एन अन्ना दुराई को, ठीक है, अन्ना, अन्ना से आप इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इज बाबूजी, बाबूजी हम बोलते हैं जगजीवन राम जी को, ठीक है, जगजीवन राम जी को। उसके बाद आपके आते हैं अब्दुल गफार खान, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बादशाह खान, फ्रंटियर गांधी, या फिर हम इनको बच्चा खान भी बोलते हैं, ठीक है। फ्रंटियर गांधी क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज अ गांधीयन, ठीक है, एंड देन ही बेसिकली एक्टिवली लेड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, ठीक है, इसलिए इनको हम लोग फ्रंटियर गांधी बोलते हैं। फिर आते हैं आपके बंगाल केसरी, ये कौन है, आशुतोष मुखर्जी, ठीक है। अगेन मैंने आपको बोला जहां पे भी केसरी वर्ड यूज होगा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स योर बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर हम बोलते हैं बिपिन चंद्रपाल को, किसको बोलते हैं, बिपिन चंद्रपाल को। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, तभी मैंने साथ साथ में लिखा है, बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी है और बंगाल टाइगर आपके बिपिन चंद्रपाल है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर बिहार केसरी, बिहार केसरी है डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह। जितने भी एस्पिरेंट्स स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए भी ये केसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने अपनी स्टेट के केसरीज के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वल्लभ भाई पटेल, इनको हम बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोलते हैं, मैन ऑफ आयरन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इन्होंने 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स को आपस में यूनाइट किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको हम बोलते हैं बिस्वा कवि, गुरुदेव, या फिर कवि गुरु। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव वॉट, नोबेल प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट इज योर बुद्धा, बुद्धा हम बोलते हैं सिद्धार्थ गौतम को, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सी आर, सी आर इज द नेम फॉर वॉट, सी राजा गोपाल, गोपालाचार्य, ठीक है, प्रिटी ऑब्वियस, ये इजी है रिमेंबर करना। उसके बाद आते हैं आपके चाचा नेहरू, या फिर चाचा जी हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ही हैपेंस टू बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज योर दीन बंधु, दीन बंधु हम बोलते हैं सी एफ एंड्रूज को, किसको बोलते हैं, सी एफ एंड्रूज को। एंड देश बंधु किसको बोलते हैं, सी आर दास को। तो दीन बंधु आपके आ गए सी एफ एंड्रूज, एंड देश बंधु आपके आ गए सी आर दास, ठीक है, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज योर देश रत्ना, या फिर अजात शत्रु, ये बोलते हैं हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अजात शत्रु उनका नाम रखा था महात्मा गांधी ने, और अजात शत्रु का मतलब क्या होता है, somebody who has no एनिमीज, ठीक है। तो इनका नाम अजात शत्रु महात्मा गांधी ने रखा था, और इनको देश रत्ना भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख बोलते हैं मिल्खा सिंह को, ठीक है। इनका ये नाम किसने रखा था, अजब खान जी ने रखा था इनका ये नाम। उसके बाद आता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये हैं आपके दादा भाई नाउरू जी, ठीक है। ये बेसिकली आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकंड प्रेसिडेंट थे, ठीक है। एंड ऑल्सो ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी इन्होंने ही दिया।
उसके बाद आता है हरियाणा हरिकेन, जिसको हम जो जो कि कपिल देव जी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ध्यानचंद। ध्यानचंद आपका हॉकी विजर्ड एंड मैजिशियन ऑफ हॉकी। अभी इनके नाम पे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से हमने क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से हमने उसको वो कर दिया है। नेक्स्ट इज इंडियन माचावेलाय। व्हाट इज दिस मीन? इसका मतलब होता है somebody who is a writer or a philosopher or a historian, ठीक है। और इनका ऑल्टरनेट नेम क्या है? कौटिल्या। तो ये किसको बोलते हैं हम बोलते हैं चाणक्य को। इन्होंने इनका सबसे फेमस वर्क क्या है आपका? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। नेक्स्ट इज आयरन लेडी ऑफ इंडिया, दैट इज इंदिरा गांधी। क्या थी हमारी? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इज लाल बाल पाल। लाल फॉर लाला लाजपत राय, बाल फॉर बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल फॉर बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो हम इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? लाल बाल एंड पाल, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है लायन ऑफ कश्मीर, तो ये हो गए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। नेक्स्ट इज योर लायन ऑफ मराठा, ठीक है। ये कौन है आपके? बाल गंगाधर तिलक। इनको हम लोग लोकमान्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकमान्य भी बोलते हैं। उसके बाद आते हैं लिटिल मास्टर। लिटिल मास्टर किसको बोलते हैं हम? सुनील गावस्कर को। जो भी क्रिकेट फैन है उनको तो पता ही होगा, जिनको नहीं पता, सुनील गावस्कर इज अ क्रिकेटर, ही वॉज अ क्रिकेटर। उसके बाद लोकमान्य भी मैंने डिस्कस कर लिया, बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं लोकनायक। लोकमान्य तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, लोकनायक आपके हो गए जयप्रकाश नारायण। कौन हो गए? जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट कम्स योर मैन ऑफ पीस। मैन ऑफ पीस आपके हैं लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। राजा राम मोहन रॉय जी के कंटेक्स्ट में हमने मैन ऑफ द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया तो हमने पढ़ लिया था। एक और निकनेम दिया गया है इनको, वो है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसांस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इट मींस रीबर्थ, ठीक है। बिकॉज इन्होंने क्या किया था, ही फ्रीड इंडिया ऑफ सोशल, वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोशल इविल्स व्हिच वाज सती प्रथा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या आता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। इट वॉज समुद्रगुप्त, बिकॉज जिस तरीके से ही कैप्चर्ड ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया, ही वॉज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडियन, नेपोलियन ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं नेताजी। नेताजी हमने निकनेम रखा है सुभाष चंद्र बोस जी का। इनकी बेसिकली इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 जनवरी को, जिसको अब गवर्नमेंट ने पराक्रम दिवस का नाम दे दिया है, ठीक है। पराक्रम दिवस का नाम दे दिया है अब, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, या फिर लेडी विद द लैम्प, विच इज सरोजनी नायडू। उसके बाद राजा जी हम बोलते हैं सी राजा गोपालाचारी को, या फिर इनका और दूसरा सरनेम क्या है? सीआर। उसके बाद आता है आपका शहीदे आजम, ठीक है। शहीदे आजम हमने किसके लिए नाम रखा है? भगत सिंह, ठीक है। शहीद आजम हम किसको बोलते हैं? भगत सिंह को बोलते हैं। एंड ही वॉज मार्टर्ड ऑन 23rd of May 1931 एट अ वेरी यंग एज। देन इज बापू जी, या गांधी जी, इनको हम बापू जी भी बोलते हैं। इनको हम सेंट ऑफ साबरमती भी बोलते हैं, ठीक है। इनका फेमस आश्रम भी है वहां पे, साबरमती आश्रम। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी को हम बोलते हैं सेंट ऑफ साबरमती। उसके बाद शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑल्दो शेक्सपियर को कालिदास बोलना चाहिए था, क्योंकि कालिदास वॉज वे बिफोर शेक्सपियर, बट अनफॉर्चुनेटली हाँ वॉट एवर यू कॉल इट, शेक्सपियर ऑफ इंडिया हमने किसको निकनेम दिया है? कालिदास को। बट ऑल्दो आई जेन्युइनली फील दैट इट्स अ ह्यूज डिसरिस्पेक्ट टू द पोएट्स एंड हिस्टोरियंस ऑफ आवर कंट्री। अगला है आपका स्वर कोकिला। स्वर कोकिला हम बोलते हैं लता मंगेशकर जी को, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीबडी नो शी हैज अ गोल्डन वॉइस, तो स्वर कोकिला बोलते हैं हम लता मंगेशकर जी को। नेक्स्ट कम्स योर द मास्टर ब्लास्टर, या फिर गॉड ऑफ क्रिकेट, ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर।
नेक्स्ट कम्स टाइगर ऑफ मैसूर. टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं हम टीपू सुल्तान को. उसके बाद तोता ए हिंद, दिस इज अमीर खुसरो. ठीक है, उसके बाद उड़ान परी बोलते हैं हम पीटी उषा को. ऑफ कोर्स यंग तुर्क बोलते हैं हम चंद्रशेखर को. इसके अलावा कुछ और आप नाम लिख लीजिए. फर्स्ट इज एडम स्मिथ. ठीक है, एडम स्मिथ है हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है, या फिर फादर ऑफ कैपिटलिज्म. ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स. इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. इनकी बुक्स के भी कुछ मैं नाम लिख देती हूँ. एक बुक इनकी जो बहुत फेमस है, इट इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ अ नेशन. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स रिटन बाय एडम स्मिथ. उसके बाद आता है आपका अडोल्फ हिटलर. अडोल्फ हिटलर को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फ्यूअर. अच्छा, से लिख देती हूँ, फ्यूहर. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ जर्मन वर्ड फॉर लीडर और मिनिस्टर. ठीक है, क्या है ये? जर्मन वर्ड. उसके बाद आती है मैरी कॉम. मैरी कॉम को हम बोलते हैं मैग्निफिसेंट मैरी. ठीक है, इजी टू रिमेम्बर, मैग्निफिसेंट मैरी. उसके बाद आते हैं नेपोलियन बोनापार्टे. इनको हम बोलते हैं लिटिल कॉर्पोरल. क्या बोलते हैं? लिटिल कॉर्पोरल या फिर मैन ऑफ डेस्टिनी. ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी. ही बेसिकली डाइड इन द बैटल ऑफ वॉटरलू इन द ईयर ऑफ 1815. ठीक है, उसके बाद आप लिखिए ओटो वैन बिस्मार्क. ही इज बेसिकली द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन. ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन. ही इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. नेक्स्ट आता है आपका शेख मुजीबुर रहमान. ये आप सबको पता है कि बांग्लादेश के लीडर रह चुके हैं, तो इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ बांग्लादेश या फिर बांग बंधु नाम से ज्यादा फेमस है. ठीक है, देन कम्स योर विलियम शेक्सपियर. इनको हम बोलते हैं बार्ड ऑफ एवन. ठीक है, बार्ड का मतलब क्या होता है? बार्ड मीन्स पोएट, और एवन क्या है? जिस जगह को ये बिलोंग करते थे. ठीक है, देन कम्स योर दयानंद सरस्वती. ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मार्टिन लूथर किंग ऑफ इंडिया. ठीक है, सो ये कुछ निकनेम्स थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा, देयर इज वन मोर व्हिच इज सलीम अली. ठीक है, ही इज बेसिकली कॉल्ड द बर्ड मैन ऑफ इंडिया. ठीक है, तो ये कुछ नेम्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई होप दिस वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इसको अच्छे से करिए. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जाम्स. So if you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel. You can also follow us on the social media accounts of Instagram and Telegram. You can also watch our playlists. ठीक है, इससे आपको काफी आसानी होगी चीज़ें देखने में. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. जय हिंद.